हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग। डे टू ऑफ आवर जर्नी। हम लोग अभी अभी मैं तो 3:45 को ही उठ गया था, पर ये लोग थोड़ा देर सोए। और अभी हम लोगों ने नीचे एक भैया, हम लोगों ने दरअसल होटल वाले से ही बात कर लिया था, तो होटल वाले भैया ने एक ऑटो वाला का कॉन्टेक्ट डिटेल्स दिया और वो आए हैं नीचे। हम लोगों का मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर जाना है ऑटो में, और 4 बजे को हमारी बस होगी जो हमें ले जाएंगे गोविंद घाट। बद्रीनाथ के लिए बस है, पर हमें रास्ते में ही उतरना होगा। और हर हर महादेव। हमारा ऑटो वाले भैया नीचे रुके होंगे, दिक्कत है। छोड़ो, हम लेके जाते हैं। गाइस, हम लोग आ गए हैं। तो गाइस, वी हैव लोडेड। कुछ दिखे ना दिखे, जैसे तैसे फिट हो गए टॉम टॉम में। वी कॉल इट टॉम टॉम हमारे उधर। हाँ, नहीं नहीं, एक ट्रॉली का ऊपर। तो अभी हम आ चुके हैं नटराज चौक। नटराज चौक, तो आई बिलीव ये रूट है बद्रीनाथ जाने का। हम वेट कर रहे हैं, और हमारे साथ एक को पैसेंजर भी हमको मिल चुका है, वो भी वही जा रहे हैं। तो गाइस, नेक्स्ट आई विल शो यू द ब्रेथ टेकिंग व्यूज वाइल ट्रैवलिंग टू बद्रीनाथ। इट्स अ लॉन्ग डिस्टेंस, हमको लगभग 12 घंटे ट्रैवल करना होगा, और हम रास्ते में ही उतर जाएंगे। गाइस, हम लोग रुके हुए ही थे कि अचानक से बारिश चालू हो गया। काफ़ी प्लेजेंट एक्सपीरियंस है। तो गाइस, देखते देखते बारिश इतनी तेज़ हो गई कि मानो कोई नदी बह रही हो। हमारे लगेज पूरे भीगने लग गए, और इसी चलते बस आ गई। तो इस बीच मुझे रिकॉर्ड करने का टाइम तो नहीं मिला, तो जो नेक्स्ट शॉट आप देखोगे वो लिया गया है 3-4 घंटे बाद, जब एक जगह पर बस को रुकाई गई। तो अभी हम आप पहुँचे हैं कहीं तो बीच रास्ते में है। सुबह 4:20, 4:30 करीब को गाड़ी निकली, और शायद हम लोग गोविंद घाट पहुँचेंगे करीबन 2-3 बजे। काफ़ी ब्यूटीफुल नज़ारा है। अब बहुत जाना है, पर जर्नी इतनी इजी है नहीं। ये रही हमारी बस, और ये रहा नज़ारा। तो अभी हम रुद्रप्रयाग पहुँचे हैं, और ये होटल में रुका है भैया ने खाना खाने को, ब्रेकफास्ट चाय नाश्ता। आप लोग वहाँ देख सकते हो कैसे क्लाउड्स पहाड़ों के बीच से जा रही है, काफ़ी अच्छा नज़ारा है। और अभी हम लोग कुछ नाश्ता करेंगे। पहले तो मैंने चाय ऑर्डर किया है, और पराठा वराठा मिल जाता है। हमारी दीदी या अंकल जी हमको खिला रहे हैं पराठा और नींबू। जोशीमठ 98 किलोमीटर, गोविंद घाट 113 किलोमीटर। सो गोविंद घाट इज समथिंग समवेयर जहाँ पे हम जा रहे हैं। This is रुद्रप्रयाग। Hi, guys, यहाँ पे हमको एक बहुत important lesson सीखने को मिला। हमेशा बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि रास्ते में कुछ मत खाना। तो हुआ यूँ कि दीदी ने ऑर्डर किया था डोसा, और डोसा निकला खट्टा, तो जो बैटर था पता नहीं वो 2-3 दिनों का रखा हुआ होगा, तो इसलिए आपको वीडियो में देखेंगे दीदी कुल्ला कर रही है। तो वो इसलिए कर रही है क्योंकि उसको वो डोसा खट्टा लगा। अभी हम लोग जा
अब हमारे पास खाने को कुछ नहीं था, तो हमने क्या खाया बताओ? थेपला जो भाभी ने भेजा था। थैंक यू भाभी को। और दूसरा अंकल को जिन्होंने अभी अभी हमको दिया नींबू का अचार, तो इन लोगों ने नींबू के अचार के साथ थेपला खाया। अभी हम लोग कोल्ड ड्रिंक ढूंढते हुए जाएंगे। गाइज यहाँ पे गुरुद्वारा भी है, गुरुद्वारा लंगर दमदमा साहिब। हाय अंकल जी, आप लोग पहली बार ही जा रहे हो ना? आप लोग पहली बार? मैं तो पांच बार जा चुका हूं। तो मेरे को एक चीज बताओ, मैंने थोड़े बहुत YouTube के वीडियोस देखे, तो ऐसे गाड़ी में भजन वजन गाते हुए जाते हैं। हाँ गुजराती लोग तो गाते हैं, सब स्थान से जिन क्या सब लोग अलग अलग हो रहे हैं। थ्री हंड्रेड 325 पीपल्स का ग्रुप आया था अहमदाबाद से हमारा हरिद्वार के अंदर, तो डेली रात को भजन होता था, ट्रेन के अंदर भी भजन। तो सफर का आनंद वही है, सफर में एक साथ में बैठ के मजा लो, बट के खाओ, आनंद से खाओ। बस गाइस तो अभी हम लोग आ चुके हैं गोविंद घाट, गोविंद घाट पे हमको बस ने उतार दिया है और अभी हम जा रहे हैं गुरुद्वारा, जो यहाँ से हमें कितना दूर दिखा रहा है गुरुद्वारा, ओ नीचे 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 नीचे, सॉरी सॉरी सॉरी, तो गुरुद्वारा यहीं कहीं है, तो अभी ट्राई करेंगे गुरुद्वारा जाने का। पहले हम गुरुद्वारा में चेक करेंगे हमें कैसे रूम्स है, क्योंकि मेरे साथ दो लेडीज़ है, तो पहले देखूंगा मैं वो लोग कंफर्टेबल होने लायक रूम है कि नहीं। अगर नहीं है तो गुरुद्वारा के आसपास भी हमने वीडियोस पे देखा था कि काफ़ी सारे होटल्स के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो हम पहले वो देख लेंगे फिर ही हम होटल्स पे जाएंगे। तो ये रहा रास्ता, है ना लाजवाब। और आपको पता है हम यही रास्ते से जो रास्ता हम ट्रैक करेंगे लगभग ऐसे ही पहाड़ों के बीच में से ट्रैक है हमारा हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के लिए, तो काफ़ी 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 मज़ा आने वाला है दोस्तों। वीडियो में यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग हेमकुंड साहिब का ट्रैक करते हैं और वहाँ पर क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं, तो प्लीज़ कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।